तो स्वागत है आपका अपने चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से कुछ क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं और आप लोगों के सामने डिस्कस करवाएंगे। तो कहना ये था आप लोगों से कि आप लोग पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उसके बाद क्या करना है कि उसको सॉल्व करना। जब सॉल्व करने के बाद जब समझ में नहीं आए आप लोग वीडियो देखना, और ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि कुछ मेरा ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आपका क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, है ना, इसमें आपका लिखा गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सीटेड इन ए सर्टेन नंबर ऑफ रो फेसिंग नॉर्थ। आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चंस में लिखा क्या गया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जहर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है आपका कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सीटेड इन ए सर्टेन नंबर ऑफ रो फेसिंग द नॉर्थ, मतलब कुछ निश्चित लोग हैं और कुछ निश्चित पंक्ति पे क्या है आपका बैठे हुए हैं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली फ्यू ऑफ देम इज नोन, मतलब कुछ लोग जो है, कुछ लोग ही हैं जो आपके इसमें नोन है, बाकी सारा क्या है आपका अननोन है। द रो आर नंबर्ड सच दैट नॉर्थ मोस्ट और द फ्रंट मोस्ट रो इन नंबर फर्स्ट द नेक्स्ट इज नंबर टू एंड सो ऑन, मतलब आपका क्या है नॉर्थ की ओर फेस किए हुए सारे व्यक्ति का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, और दूसरा आपका क्या है कि वो सीरियल वाइज से 1 2 3 4 करके आपका टॉप टू डाउन में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है आपका डायरेक्शन। ठीक है, द नेम ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन इज नोन इन ईच रो, मतलब आपका नेम जो है वो सारे रो में वन पर्सन का जाना हुआ है। ठीक है, नो टू रो हैड द सेम नंबर ऑफ पर्सन ऑफ देम, मतलब कोई भी दो रो में आपका सेम पर्सन नहीं बैठते हैं। हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है कि डी रो नंबर वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन एल, मतलब डी का जो रो का नंबर है उतना ही जो रो का नंबर है ना, उतना ही के बराबर आपका एल के रो में पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि एफ रो नंबर वाज ट्वाइस एज दैट डी रोज नंबर, मतलब एफ डी का जो नंबर होगा, डी का जो नंबर होगा उससे क्या है दोगुना नंबर का किसमें बैठा हुआ है आपका एफ वाले रो में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लाइंस ले लेते हैं नॉर्थ की ओर फेस करके। ठीक है, यहां से 1 2 स्टार्ट होगा। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहां पे कि एफ वाज सीटेड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द नंबर ऑफ पर्सन एफ रो वाज इक्वल टू द हिज रो नंबर। ठीक है, 8 पर्सन वी आर सीटेड इन अ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, मतलब 8 पर्सन जो है 8 पर्सन फर्स्ट एंड सेकेंड रो को मिलाकर, आई बस समझ में कि 8 लोग हैं आपका फर्स्ट और सेकेंड वाले रो को मिलाकर। दूसरे वाले रो में क्या बोला है कि फर्स्ट वाले रो में जो है वो रो फर्स्ट हैड एटलीस्ट 4 पर्सन इन इट, मतलब 4 लोग से ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट वाले में। ठीक, फिर लिखा है क्या कि 7 पर्सन वी आर सीटेड इन ए लास्ट 2 रो, मतलब 7 लोग बैठेंगे आपका 2 वाले रो में। ठीक है, मतलब ऊपर वाले में रो आपका 2 रो में 8 लोग बैठ रहे हैं और नीचे वाले 2 रो में कितने लोग, 7 लोग बैठ रहे हैं, इतना कंफर्म किया। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लिखा है नंबर ऑफ पर्सन लास्ट रो वाज 1 मोर देन पर्सन इन द फर्स्ट रो, मतलब क्या है कहने का कि पहला वाला जो रो है और ये लास्ट वाला जो रो है ऊपर वाले से 1 ज्यादा लोग सबसे नीचे वाले में बैठेंगे, मतलब प्रथम जो आपका रो है, प्रथम जो आपका लाइन है उससे 1 ज्यादा लोग क्या है नीचे वाले लाइन में बैठेंगे। तो मेरे पास 8 का पॉसिबिलिटी हम लोग पहले देख लेते हैं और ये 7 का पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले रो का 8 का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगा, ये 5 और 3 5 3 8 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 6 और 2 लोग। तीसरा हो जाएगा 7 और 1 लोग। दूसरे वाले रो का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 1 और 6 लोग। ठीक है, 2 और 5 लोग। तीसरे वाले का 3 और कितना लोग, 4 लोग बैठ सकते हैं। ये आपका टोटल 8 का पॉसिबिलिटी है और ये आपका टोटल कितना का, 7 का पॉसिबिलिटी है। ये तो हो सकता है, इसमें हम लोग 3-3 फिगर का भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को उतना करना नहीं है, शॉर्टकट में जाना है हम लोग को, एकदम ट्रिकी लाना चाहते हैं हम आप लोग को।
तो फर्स्ट वाला रो का जितना लोग होगा उससे एक ज्यादा नीचे वाले रो में होगा, तो हमको देखना क्या है, फर्स्ट वाले में 5, लास्ट वाले में 6, ये तो सही हो रहा है, फर्स्ट वाले में 6, लास्ट वाले में 5, क्योंकि 2 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 4 से ज्यादा लोग चाहे हमको फर्स्ट वाले में, 7 यहां रखेंगे तो लास्ट वाले में 4, ये ना ये होगा ना ही ये, मतलब ये दोनों क्या गलत हो जाएगा, ऊपर वाले में 5 लोग और नीचे वाले में 6 लोग एडजस्ट होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि दोनों फिगर का पॉसिबिलिटी नहीं लेना है हम लोगों को, हम लोग यहीं से क्या करेंगे, आपका सारा पॉसिबिलिटी काउंट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ 8 एंड अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ 7, दोनों का करके हम लोग यहाँ श्योर शॉट पॉसिबिलिटी फिगर निकाल लिए, उसको हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं, एडजस्ट कर देंगे। मतलब ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4, 5 लोग, 1, 2, 3 नीचे वाले में, ठीक है। फिर आपका यहां वाले में 1 लोग हो जाएंगे और नीचे वाले में कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, आई बात समझ में। मतलब 4 से ज्यादा लोग भी हो गए और आपका क्या है, यहां पे बैठ भी गया दोनों, एडजस्ट भी हो गया, 5 लोग वहां पे हो गए। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से क्या में क्या लिखा है, लिखा है क्या यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पर्सन इन द लास्ट रो, ये तो हो चुका मेरा, एच वाज सीटेड 3rd टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब हम एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एच जो है वो आपका 3rd टू द लेफ्ट में बैठेगा आई के, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डी एंड सी आर नॉट इन द सेम रो, दूसरा इंफॉर्मेशन लिखा है क्या कि डी और सी जो है वो सेम रो में नहीं बैठेंगे, ठीक। तीसरा लिखा है कि नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ आई। मतलब क्या है यहाँ पे कि एच के लेफ्ट में जितने लोग होंगे उतने ही लोग आपके आई के राइट में भी होने वाले हैं, ये श्योर बताया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपका लिखा है क्या कि डी, ये जी वाज सीटेड 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, मतलब जी जहां भी बैठेगा वो लेफ्ट एंड से आपका तीसरा बैठने वाला है, कंफर्म। फिर लिखा है नॉट मोर देन 7 रो वेयर देयर इन ए टोटल, मतलब 7 से ज्यादा रो इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिनिमम 7 लेके चलते हैं, 7 से ज्यादा जब होना ही नहीं है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये 5, 6 और मतलब 7 होगा, कंफर्म, ठीक है, ये हो चुका है आपका। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है यहाँ पे कि नो रो हैड मोर देन 7 पीपल इन इट, मतलब किसी भी रो में 7 से ज्यादा लोग एडजस्ट होने वाले नहीं, मतलब लास्ट आपका 7 लोग एडजस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में आपका देखिए क्या लिखा है फिर से कि ए वाज सीटेड 2nd टू द राइट ऑफ ही, ए जो है वो आपका, ए जो है आपका 2nd टू द राइट में बैठता है ई के, 2nd टू द क्या है राइट में बैठता है ई के, इतना आपका लिखा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या है कि एच रो नंबर वाज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन इन द इन हिज रो, मतलब एच का जो रो का जो आदमी होगा उससे ज्यादा उसका रो का संख्या होगा, समझ में आ रहा है। मतलब एच के रो में आदमी कम, रो का नंबर ज्यादा होगा। मान लो कि यहां अगर 3 लोग हैं तो इसके रो का संख्या 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहां अगर 2 लोग होंगे तो इसका 3 होगा, यहां अगर 3 होंगे तो यहां 4, यहां होंगे 5, यहां 4 तो यहां 5, यहां तो हो नहीं सकता है, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता है, ठीक है, यहां 6 तो यहां 7, तो एक पॉसिबिलिटी आपका यहां भी बन रहा है। फिर क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा है यहां पे क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ पर्सन इन एल रो वाज लेस देन 3, है ना, हिज रो नंबर, मतलब एल का जो पर्सन का नंबर होगा उसके रो नंबर से 3 कम होगा। जैसे अगर 4 पे बैठ रहा है तो 4 का अगर 4 है तो उसका क्या होगा, 2 होगा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या लिखा कि एच वाज नॉट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब एच जो है ये एल जो है आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं बैठा है। ई वाज सीटेड टू द मिडिल सीट ऑफ हिज रो, मतलब ई जो है वो जब भी बैठेगा तो मिडिल में बैठने वाला, तो ई जब भी बैठेगा मिडिल में बैठेगा तो 2 इधर राइट में तो 2 लेफ्ट में, या फिर 5 और 7 का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उस रो जिस रो में आपका ई बैठ रहा है उसमें या तो 5 लोग या फिर 7 लोग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद क्वेश्चंस में आपका फिर क्या लिखा है, सी एंड ई वे आर सिटेड इन कंसेक्यूटिव रो, मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे करके सी और ई बैठने वाले हैं और डी जो है वो सेम रो में होने वाला है, नहीं सी वाज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब सी जो है वो किसी भी एंड से आपका थर्ड रो पे बैठा हुआ, थर्ड पोजिशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। बी वॉज ओनली वन पर्सन इन हिज रो, अब देखो बी के बारे में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो बी यहाँ कन्फर्म केवल एक ही लोग है, केवल एक ही लोग है दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि सारा आपका जी है, डी है, सी है, एच आई है, ई और ए है, पॉसिबिलिटी लगभग खत्म है। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि एल रो नंबर वाज इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन रो फर्स्ट, कहने का मतलब है कि एल जो है वो पहला वाला रो में जितने नंबर पीपल है, तो पहला वाला रो में आपका नंबर पीपल 1 2 3 4 5 कंफर्म 5 लोग, उतना ही एल का रो नंबर होने वाला, उतना ही मेरा एल का क्या होने वाला है, रो नंबर होने वाला है, मतलब 5 लोग है तो 5 यहां है, अब 5 यहां है तो 1 2 2 ही होगा, क्योंकि एल के रो के बारे में लिखा था स्टेटमेंट में क्या कि एल जहां भी बैठ रहा है उसके रो वाले नंबर से 3 पीपल कम होंगे, 3 पीपल क्या होंगे, कम होंगे, ऐसा लिखा गया था ना, हाँ ऐसा लिखा गया था यहां पे कहीं पे है, हाँ नंबर ऑफ पर्सन इन रो एल वाज 3 लेस देन हिज रो नंबर, मतलब रो नंबर से उसका 3 कम होगा, इतना कंफर्म किया गया है, ठीक है, इतने इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एल जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं बैठ रहा, तो एल जब भी बैठेगा तो राइट में बैठने वाला, क्योंकि दो ही लोग आपके यहाँ पे एडजस्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस में देखिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या, अब एल पे आते हैं कि डी रो नंबर वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड इन एल रो, अब डी का जो रो है ना, डी का जो आपका रो है वो रो क्या होगा, तो रो जो आपका होगा वो जितने नंबर ऑफ पर्सन आपका एल के रो में बैठे हुए हैं वही डी के रो का नंबर होने वाला है, तो एल के रो में 2 लोग तो डी के रो में भी 2 लोग है ना, डी के रो में क्या हो जाएंगे, एक मिनट क्या लिखा है, डी रो नंबर वाज इक्वल टू द पर्सन ऑफ सीटेड इन एल रो है ना, तो डी का जो नंबर ऑफ पर्सन बैठा हुआ है उतना ही आपका, ये एल का जो नंबर ऑफ पर्सन बैठा हुआ है वही आपका डी का रो होने वाला, तो डी का रो क्या हो जाएगा, 2, जिसमें आपका डी बैठेगा, और डी के बारे में क्या लिखा था क्वेश्चंस में एक बार और देख लीजिए कि डी वाज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ हिज रो, डी जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है अपने रो में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा गया, देखो ये तो एडजस्ट हो गया आपका, फिर बोला है क्वेश्चंस में आपका आ जाइए यहां पे, ये तो एडजस्ट हो गया, एच और आई हमको देखना है, एच और आई हमको देखना है और यहां जी देखना है, ठीक है, जी देखना है, डी और सी एक रो में होने वाला है नहीं, मतलब ये डी सी यहां नहीं होगा, ठीक है, और ई और सी जो है वो क्या है, कंसेक्यूटिव है, मतलब अगर ई ऊपर बैठेगा तो सी नीचे, अगर सी नीचे बैठेगा तो आपका ई ऊपर बैठने वाला, कंफर्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहना आपका यही था कि यहाँ पे ई वाला रो में जो है ना, ई वाले रो में या तो 5 लोग हो सकते हैं या फिर आपका 7 लोग हो सकते हैं, 5 होंगे नहीं, क्योंकि 5 आपका 1 2 3 4 5 ऑलरेडी बैठ चुका है, तो एक रो में सेम पर्सन 2 रो में होने वाले नहीं, जो एक रो में आपका हो गया वो दूसरे रो वाले में सेम पर्सन कभी नहीं होगा, ये बताया गया था, ठीक है, ये जब भी होगा तो कितना होने वाला है, 7 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक मेरा इंफॉर्मेशन एफ के बारे में बताया था, वो एफ के बारे में देखना क्या है कि मेरा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था, पहले लाइन में ही लिखा गया है कि एफ रो नंबर वाज ट्वाइस एज दैट ऑफ डी रो, मतलब डी का जो रो नंबर होगा उसके ठीक 2 गुना जो होगा वो एफ का रो नंबर होगा, ठीक है, एफ का वो क्या रो नंबर होगा, द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एफ रो वाज इक्वल टू द रो नंबर, मतलब जितना रो का नंबर है उतना आपका एफ में नंबर ऑफ पर्सन भी दिया गया है, मतलब 4 2 का 2 गुना 4 होगा और 4 नंबर ऑफ रो है तो 4 आपका इसमें पर्सन भी हो रहे हैं, कंफर्म, ये आपका बताया गया, एफ वाज सीटेड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से आपका एफ क्या है, तीसरे में बैठ रहा है। अब देखो थोड़ा सा है कि हमको यहाँ पे क्या करना, हमको यहाँ पे एडजस्ट करना, ये तो 5 लोग ही रहे ना, यहाँ तो ई और एफ, ई और ए एडजस्ट होने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है कि ई यहाँ पे एडजस्ट होगा, जब ई यहाँ पे एडजस्ट होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 लोग इधर 3 लोग इधर,
यहाँ आपका बीच में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म वहां पे ई होने वाला। जैसे ही वहां पे ई होगा तो यहाँ पे आपका सारा का फेस क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्थ होने वाला है। सबका फेस हम लोग इंडिकेट कर देते हैं नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थ का। और ई के दाहिने दूसरा कौन आपका बैठा हुआ है, ए यहाँ बैठा हुआ, इतना तो कन्फर्म है। अब भैया जब ई यहाँ बैठ गया तो सी यहाँ नहीं हो सकता है, सी जब भी होगा तो नीचे होगा। अब सी के बारे में क्वेश्चंस क्या लिखा था वो देखो, सी के बारे में लिखा था क्या, लिखा था सी एंड सी वाज थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब सी जो है वो थर्ड है किसी भी एंड से, है ना, एक दो तीन, यहाँ तो एफ बैठ चुका है तो यहाँ नहीं होने वाला, एक दो तीन यहाँ पे सी यहाँ कन्फर्म हो गया। तो सी और ई आपके एक साथ बैठ रहे हैं कंजुगेटिव रो में, आपका डी वी एडजस्ट हो गया। अब क्या है कि एच के बारे में और आई के बारे में हमको क्या करना है, जानना है एच और आई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कि आई इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ एच करेंगे तो पहले वाले रो में एडजस्ट नहीं होगा, तो मेरा दूसरा वाला रो में एडजस्ट होगा एच, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे क्या आई। अब देखो आई के राइट में भी वन लोग, एच के लेफ्ट में भी आपका वन लोग, तो दोनों साइड आपका कितने लोग, एक एक लोग होने वाले हैं, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी लाइन के बारे में बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बारे में, तो सारे लाइन के बारे में हो गया, बचा आपका जी, तो जी में क्या है थर्ड टू द लेफ्ट एंड, वन टू थ्री, आपका जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा ऐसा करके क्वेश्चंस बना, ये आपका एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, एकदम न्यू पैटर्न है आपका, एकदम एग्जाम्स के रेलेवेंट आपका क्वेश्चंस दिया गया। तो क्या कीजिए आप लोग, इसको बनाइए। अगर हम कितना भी बता दें, ये स्पीड से क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम्स में आपका क्या है कि सारा क्वेश्चंस बन जाएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं बनता। तो उस अकॉर्डिंग टू टाइम के लिए हमको क्या करना है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू टाइम के लिए हमको मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका एक ही रूल है, गोल्डन रूल क्या है आपका, कि मोर प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आने वाला कैसे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना, और ये काफी ज्यादा बेहद जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन हमको किस टाइम अटेम्प्ट लेना है और क्या वो मेरे लिए सही रहेगा और हम इसको कितने देर में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा कब, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और दिन में कम से कम तीन चार पजल बनाया करो, तीन चार पजल बनाया करो और तीन चार सिटिंग अरेंजमेंट, तभी होने वाला। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो वरना छोड़ दो, ठीक है, छोड़ना तो बनता नहीं है, तो पढ़ना ही है, मजबूरी है और शौक भी है, जो भी है आप लोग के पास पढ़ो, किसी भी कंडीशन में पढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चंस में आपका लिखा क्या गया है कि हाउ मेनी रो वेयर देयर इन टोटल, तो सेवन, हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर इन टोटल ऑल रो पर्सन, एक काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ, पांच तीन आठ, आठ सात पंद्रह, चार उन्नीस, बीस और छ, छब्बीस, छब्बीस लोग, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द रो नंबर ऑफ जी, व्हाट वाज द रो नंबर ऑफ जी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, एकदम बेझिझक समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं आया वीडियो पे आओ, वीडियो देखो, बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने डाला है। और खासकर आप लोग के पास मैथ का भी वीडियो अवेलेबल है तो मैथ का वीडियो भी जाकर देखो, रीजनिंग का भी देखो, दोनों देखो, दोनों के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, क्वेश्चंस के ट्रिक को समझो, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट लेना उसको समझो, ये बेहद और काफी आसान होगा मेरे हिसाब से। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बिल्कुल बेझिझक शेयर करें इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के बाद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस किस लेवल का है और कैसे इसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। खासकर मेंस लेवल का क्वेश्चंस है तो आप लोग इसको एक बार देख लो।